स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को, तो आप देख सकते हैं और आरपीएम कितना चढ़ेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं इस ट्रैक्टर का। अगर गियर की हम बात करते हैं तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं जो कि फुल्ली कॉन्स्टेंट में गियर आते हैं और सेंटर शिफ्ट आपको मिलते हैं। ये जो इसमें आपको जो आगे के टायर है वो C8 के मिलने वाले हैं 750 के, और पीछे के जो टायर है वो भी आपको C8 के मिलने वाले हैं, और वो आपको 14/9/28 के आपको मिल जाते हैं। पीछे CRPTO और ड्यूल किच की बैजिंग आपको इसमें मिल जाती है। हैवी ड्यूटी डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व कंपनी यहाँ पे आपको लगा के दे रही है। आपको ड्यूल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है जो कि एक पावर स्टेयरिंग का और एक हाइड्रोलिक का पंप आपको मिल जाता है, जो है इसमें क्लीनर जो कि ऑयल बाथ प्री ईयर क्लीनर आपको एक्स्ट्रा आपको लीवर दिया हुआ है जिससे कि आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी मल्टी एडजस्टेबल सीट मिलती है, आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि ड्राइविंग करने में काफी स्मूथ। पावर स्टीयरिंग मिलती है जो कि काफी स्मूथ तरीके से वर्क करती है। हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है जो कि कोई भी कंपनी इतना बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर नहीं देती है, जो कि हाइड्रोलिक है वो स्मूथ तरीके से वर्क करती है। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। आज हम ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं दोस्तों जो कि 50 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है और ये 2100 इंजन रेटेड RPM पर वर्क करता है और इसके अंदर आपको 3054 cc का इंजन मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके सिलेंडर से, तो ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है और ये 4 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में आपको मिलता है। इसमें आपको बोस्को का पंप कंपनी ऑफर करती है जो कि इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी है। फिर उसके बाद में आपको बोस्को का ही आपको सिंगल आपको डीजल फिल्टर मिल जाता है और ये महिंद्रा की तरफ से आने वाला भूमिपुत्र महिंद्रा 585 DI XV+ ट्रैक्टर है जिसका आप सामने का फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं। आपको इसमें बीच में महिंद्रा का लोबो मिल जाता है और आपको इसका डेडिकेटेड लुक मिल जाता है सामने का। दोनों तरफ इसमें हैलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती हैं और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी महिंद्रा की आपको बैजिंग मिल जाती है काली पट्टी में, और क्रोम में आपको बैजिंग मिल जाती है महिंद्रा 585 DI XV+। और इसमें आपको भूमिपुत्र ये ट्रैक्टर है और इसमें आपको 6 साल की वारंटी कंपनी आपको यहाँ पे दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। 6 साल की वारंटी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके एक्सल की, तो आपको इसमें हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाता है मुड़वा जिससे इसकी रेडियंस कटाई और ज़बरदस्त हो जाती है, और इसमें आपको 75 से 80 kg का आपको वेट मिल जाता है। नीचे कंपनी फिटेड आपको वेट मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो इसमें आपको बैलेंस टाइप में डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके रेडिएटर की, तो इसमें आपको बड़ा सारा आपको रेडिएटर मिलता है जिससे कि आगे से पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है और इंजन बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो टूल बॉक्स है वो लोहे का कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके फुट स्टेपर की, तो लंबे समय तक साथ देने वाला फुट स्टेपर मिल जाता है। फ्लैट में आपको इसमें पायदान मिलते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे होल दिए हुए हैं जो पटलिंग करते समय आपका पैर फिसले ना उसका पूरा ख्याल रखा है। क्लच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको डुअल क्लच मिलती है वो भी पुश पैडल के साथ में। फिर आप देख सकते हैं इसमें PTO का जो लीवर है वो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं न्यूट्रल और हाई और लो का लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें अगर गियर की हम बात करते हैं तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं जो कि फुल्ली कॉन्स्टेंट में गियर आते हैं और सेंटर शिफ्ट आपको मिलते हैं। ये जो गियर हैं सेंटर में प्लेस किए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट लॉक की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाता है। उसके बाद में हम इसकी सीट की बात करते हैं, तो इसमें आपको मल्टी एडजस्टेबल सीट मिलती है, आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको चार्जर दिया हुआ है, 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, आप अपना फ़ोन है वो चार्ज कर सकते हैं यहीं से।
और कैरी कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर है। उसके बाद में इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों में आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि घंटे यहाँ पे दिखाएगा, आरपीएम यहाँ पे दिखाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे दिखाएगा, फ्यूल कितना है वो यहाँ पे दिखाएगा, और इंडिकेटर वगैरह के स्विचेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो ब्रेक है आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमरजेंसी ब्रेक आपको मिल जाते हैं, जो कि पुश पैडल के साथ में आते हैं। रेस पैडल आपको नीचे यहाँ पे मिल जाता है और रेस लीवर आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे मिल जाता है। डीसी और पीसी लीवर की सेटिंग आप राइट साइड से करेंगे, जो कि आपकी पहुँच में होता है। उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा आपको लीवर दिया हुआ है, जिससे कि आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दोनों तरफ इसमें पैसेंजर ग्रिप हैंडल मिल जाते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इसकी डीजल टैंकी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको इसमें जो डीजल टैंकी है 50 लीटर की डीजल टैंकी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। चलिए बात करते हैं अन्य फीचरों की, तो आप बने रहिए वीडियो में। फिर हम बात करते हैं इसके राइट साइड की, तो हम आ गए हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको मिलता है इसमें क्लीनर, जो कि ऑयल बाथ प्री ईयर क्लीनर आपको मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 12 वोल्ट और 36 एम्पियर का अल्टरनेटर मिलता है आपको, और इसमें जो पंप है आपको डुअल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, जो कि एक पावर स्टेयरिंग का और एक हाइड्रोलिक का पंप आपको मिल जाता है, जो कि 32 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करता है, जिससे कि इसके हाइड्रोलिक है वो स्मूथ तरीके से वर्क करती है, और अब पावर स्टेयरिंग भी बैलेंस टाइप में है, जो कि स्मूथ तरीके से वर्क करती है। इसका इंजन ऑयल फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, नीचे की तरफ प्लेस किया हुआ है। इसी के पास में आप देख सकते हैं आपको बड़ा सारा आपको इसमें हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है, काफी बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है, जो कि कोई भी कंपनी इतना बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर नहीं देती है, जो कि हाइड्रोलिक है वो स्मूथ तरीके से वर्क करती है। इसमें एक नहीं आपको दूसरा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर भी आपको मिल जाएगा, जो नीचे प्लेस किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो कि कोई भी कंपनी इस तरीके से नीचे प्लेस नहीं करती है, इसमें आपको डबल हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर आपको मिलने वाले हैं। तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई है महिंद्रा ने। ये भूमिपुत्र ट्रैक्टर आता है महिंद्रा का, जो कि काफी पावरफुल ट्रैक्टर है। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको एक्साइट की बैटरी मिलती है, जो कि आपको 12 वोल्ट और 88 एच की बैटरी मिलती है। इंडिया की सबसे ट्रस्टेड एक्साइट कंपनी की बैटरी आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। हम बात करते हैं इसके आगे के टायर की, तो इसमें आपको जो आगे के टायर है वो C8 के मिलने वाले हैं, 750 के आपको आगे के टायर मिल जाते हैं, और पीछे के जो टायर है वो भी आपको C8 के ही मिलने वाले हैं, और वो आपको 14/9/28 के आपको मिल जाते हैं पीछे के टायर, जो कि काफ़ी बड़े टायर हैं। ट्रॉली के पर्पज से ये ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, और MKM की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, और आगे की तरफ आपको इसमें पार्किंग और ब्रेक इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी भरोसे का ट्रैक्टर है ये महिंद्रा 585 DI XB+, जिसका लुक आप देख सकते हैं, दोनों तरफ का लुक मैंने आपको दिखाया। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य फीचरों की, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो हम आ गए हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ जो इसका एक्सल है, पीछे का एक्सल, वो आपको हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाता है, जो काफ़ी भारी है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। उसके बाद में बात करें इसके कंट्रोल की, तो इसमें थ्री लिंकेज के साथ में ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है, जो कि जो महिंद्रा है उसकी सेंसिंग भी जबरदस्त मिलती है। हैवी ड्यूटी डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व कंपनी यहाँ पे आपको लगा के दे रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 1850 kg की इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। इसकी पीटीओ की बात करें, तो इसमें आपको जो पीटीओ है वो आपको 45 HP की पीटीओ मिलती है। मैक्सिमम पीटीओ पावर जो 6 प्लाइन के साथ में आती है, इसमें आपको 540 चक्कर यानी RPM मिलते हैं। उसके बाद में आपको इसमें मिड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इसमें 2 लीटर का कैरियर बॉटल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी जो कि आप ट्रॉली में कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे दी हुई है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो ये ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा चल गया है, तो इसमें नॉब दी हुई है, इसको खोल के आप इसकी ईयर निकाल देंगे, ट्रैक्टर जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये
सारे फीचर इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाले हैं। पीछे की तरफ आप अगर देख सकते हैं, इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है रात में वर्क करते हैं तो, और फिर आप इसमें ब्रेक इंडिकेटर और पार्किंग इंडिकेटर आपको मिल जाता है पीछे की तरफ है। तो ये ट्रैक्टर काफी शानदार ट्रैक्टर निकाला है, 2022 में लॉन्च किया है ये ट्रैक्टर कंपनी ने, और उसके बाद में इस ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और काफी पसंद आ रहा है ये ट्रैक्टर किसानों को। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बैजिंग है वो आपको CRPTO और डुअल क्लच की बैजिंग आपको इसमें मिल जाती है। तो ये जो ट्रैक्टर है काफी पावरफुल और काफी भरोसे का ट्रैक्टर है। और ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाजत। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। Yeah.